गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और फाइनली भाई आज मैं पहुंच चुका हूं वृंदावन। और वृंदावन में क्यों आया हूं मैं आपको बता देता हूं भाई। आप जानते होंगे श्री प्रेमानंद महाराज जी को, और जो वृंदावन में विराजमान है और उनकी जिनके बारे में बताया जाता है कि उनकी दोनों किडनियाँ फेल है, उसके बावजूद भी लास्ट 18 साल से वो जीवित है। और ये चीज़ें जानकर डॉक्टर भी हैरान है यार कि कैसे। और बताते हैं प्रेमानंद महाराज खुद अपने बारे में कि मेरी दोनों किडनियाँ जो है ना भले ही ख़राब है लेकिन एक कृष्ण है और एक राधा है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, क्या है क्या नहीं है मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप एक और बात जानते होंगे कि हर दिन सुबह 2:30 बजे मतलब रात के 2:30 बजे वो अपने निजी निवास से निकलने के बाद और अपने आश्रम जाते हैं और फिर वहाँ से 4 बजे उनकी कथा हर दिन स्टार्ट होती है। सो फाइनली कैसी क्या प्रोसीजर है, कहाँ से कितने बजे निकलते हैं, कैसे पहुँचते हैं, क्या है पूरी जानकारी आज मैं पूरी डिटेल्स में आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो बने रहिएगा। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, कमेंट में राधे राधे लिख देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सो चलो चलते हैं और पूरी जानकारी देते हैं भाई कहाँ पर है, कहाँ से निकलते हैं, कहाँ पहुँचते हैं, कितना डिस्टेंस है कहाँ से। तो सो मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, चलो। सो 2:15 ऑलरेडी हो चुके हैं और फाइनली महाराज जी का निकलने का टाइम हो चुका है। कहाँ से? श्री कृष्ण सरनम, यहाँ पर उनका निज निवास स्थान है और यहाँ पर ऑलरेडी फुल बीत चुके हैं। सो ऑलरेडी टाइम हो चुका है। सो फाइनली यहाँ पर एक्चुअली गेट के पास किसी को खड़े नहीं रहने दिया जा रहा है। सो एग्जैक्ट व्यवस्था जो है ना वहाँ से कर रहे हैं, वो रस्सी के पीछे सबको खड़े रह के उधर दर्शन मिलने वाले हैं सभी को। सो उधर चलते हैं और दर्शन करते हैं यार। सो चलो चलते हैं भाई। तो भाई आए हैं ऑलरेडी, महाराज जी निकल चुके हैं। और भाई इतनी सारी भीड़, वंदे मातरम् वंदे मातरम्
तो फाइनली भाई बाबा जी जा चुके हैं आश्रम के अंदर, और आश्रम के अंदर जाने के बाद अब शुरुआत होती है कथा की, जो 4:15 बजे हर दिन स्टार्ट हो जाती है, जो कि हर दिन 4:15 बजे स्टार्ट हो जाती है। और 4:15 बजे स्टार्ट होने के लिए डायरेक्टली हॉल के अंदर नहीं जाने दिया जाता है। हॉल के अंदर अगर आपको जाना है ना, तो एक दिन पहले आपको 9:30 बजे उनके महाराज जी के जाने के बाद रजिस्टर उनका जो ऑफिस है वहाँ पर जाकर रजिस्टर करवाना होता है। रजिस्टर करवाने के बाद टोकन लेने के बाद एक दिन बाद मॉर्निंग में फिर आपको मौका दिया जाता है अंदर हॉल में जाने के लिए यार। और अगर आप हॉल में नहीं जा पाते हैं और आपको टोकन नहीं मिल पाता है, तो आपके पास दूसरी व्यवस्था ये भी है कि स्क्रीन के माध्यम से सेम टाइम पर आपको कथा सुनने को भी मिलती है। उसके लिए आपको मेन गेट से थोड़ा सा 100 मीटर इधर आने के बाद यहाँ से एक गेट अंदर जाता है, यहाँ पर बिठाला जाता है। वो कैसे हैं वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। सो मेन गेट उधर रहा, और उसके बाद सेकेंड गेट आश्रम का जो है ना वो इधर है, जहाँ पर स्क्रीन में कथा सुनाई जाती है और यहाँ पर अपने को सुनने को मिलती है। सो मैं आगे आपको दिखाता हूँ यार। तो फाइनली बच चुके हैं सुबह के 6 और प्रवचन हो चुका है समाप्त। तो वहाँ पर मोबाइल अलाउ नहीं था, जो ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाया, थोड़ा वो शूट कर पाया। इसके बाद मैं अगर बात करूँ ना, तो अगर प्रेमानंद जी महाराज के यहाँ पर अगर आपको आना है दर्शन करने हैं, तो 2 से 3 टाइप के आपको टिकट लेने होते हैं। पहला, सुबह 4:00 बजे से 6:00 बजे तक का अगर आपको सत्संग अटेंड करना होता है, तो उसके लिए आपको सुबह एक दिन पहले सुबह 9:30 बजे के समथिंग आपको टिकट लेना होता है। देन उसके बाद जो एकांत वार्ता बोलते हैं वो स्टार्ट होता है 6:00 बजे से, तो होता है मे बी 8:00 बजे तक चलता है वो, और उसके लिए भी टोकन लेना पड़ता है, वो भी 9:30 बजे मिलता है। और एक होता है उनके दर्शन के लिए, एक होता है उनका दर्शन जो होता है 8:30 बजे स्टार्ट, उसके लिए कोई टोकन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बिना टोकन लिए भी दर्शन कर सकते हैं 8:30 बजे। और 9:30 बजे वो अपने आश्रम से निकल जाते हैं स्थान के लिए, निवास स्थान के लिए, तो आप उस टाइम पर भी अपने दर्शन कर सकते हैं। सो फाइनली इस व्लॉग को करता हूँ यहीं पर एंड, और आई होप कि आप लोगों ने यार एंजॉय किया होगा, दर्शन किए होंगे। सो एक लाइक जरूर बनता है यार, और साथ में कमेंट जरूर कर देना राधे राधे के नाम से, और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली डेस्टिनेशन पर किसी नए और बेस्ट प्लेस के साथ में, जब तक के लिए बाय बाय।